नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं 9th क्लास के न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट 9th क्लास में है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, क्या बदलाव करके आया है इसको पूरा देख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब 9th क्लास की परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे प्रैक्टिकल के अंक। 9वीं की परीक्षा में प्रैक्टिकल के नाम पर खानापूर्ति होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं की परीक्षा में प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। दैनिक जागरण ने गुरुवार को इसे लेकर सवाल उठाया तो काउंसिल के सचिव महीप कुमार ने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षा अब स्कूल में ही होगी, इसके मार्क्स जैक की परीक्षा में नहीं जुटेंगे। जैक परीक्षा 5 विषयों की लिखित परीक्षा का ही परिणाम जारी करेगा। जब परीक्षा में मार्क्स ही नहीं जुटेंगे तो प्रैक्टिकल के नाम पर खानापूर्ति तय है। जैक सचिव का कहना है कि स्कूलों को अपने स्तर से ही प्रैक्टिकल कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। उसके पूर्व में प्रैक्टिकल स्कूलों में ही होता था, लेकिन इसके मार्क्स जुटते थे। अब बता दें कि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने निर्देश पर जैक ने 9वीं परीक्षा का पूरा पैटर्न बदल दिया है। बुधवार से शुरू हुए इस परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50-50 अंक के इतने ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परीक्षा OMR शीट पर ही होगी। OMR शीट दो विषयों के लिए 50-50 का क्रम बना रहेगा। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, 9वीं क्लास के जो भी इससे पहले 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रैक्टिकल होता था और प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़े जाते थे, लेकिन 2019 से अब प्रैक्टिकल सिर्फ स्कूल में ही होगा। सिर्फ बच्चे लोग को सिखाए जाएंगे, उसका मार्क्स जैक जोड़ेगी नहीं। तो जो भी अब इससे पहले 100-100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता था, लेकिन 2019 से ये 50-50 अंक का सारे विषय का एग्ज़ाम होगा, जिसमें एक दिन में दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, जो 50-50 मार्क्स का क्रम बना हुआ रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।